मेरे पास। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कुछ इस तरह का वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो हम काइनी मास्टर ऐप से क्रिएट करने वाले हैं, तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि हम अपने काइनी मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर चुके हैं। इसके बाद हम यहां क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे और 3x4 वाला साइज सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक व्हाइट इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसकी ड्यूरेशन को 10 से 15 या फिर जितना लंबा हमको वीडियो क्रिएट करना है वहां तक हम इसकी ड्यूरेशन को कर देंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। स्टार्टिंग पे आने के बाद हम यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ब्लैक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ कलर पे क्लिक करेंगे और इसकी कलर को हम ग्रीन कर लेंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम इस इमेज को कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसकी ड्यूरेशन को एंड तक कर देंगे। इसकी ड्यूरेशन को हम कुछ इस तरह से एंड तक कर देंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। स्टार्टिंग पे आने के बाद हम यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना नाम टाइप कर लेंगे। तो चलिए हम अपना नाम टाइप कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपना नाम टाइप कर चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ ओके पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। फिर हम इसको कुछ इस तरह से रोटेट करके इसको हम यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से रख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और इसकी फॉन्ट को हम चेंज कर लेंगे। इसकी फॉन्ट को हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास फॉन्ट नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी ड्यूरेशन को एंड तक कर देंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। स्टार्टिंग पे आने के बाद हम स्टेज को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ डुप्लीकेट पे क्लिक करके हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। इसके बाद हम डुप्लीकेट वाले को सिलेक्ट करेंगे और हम इसको यहाँ पे लाएंगे। इसको हम यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से रख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ कलर पे क्लिक करेंगे और इसकी कलर को हम ग्रीन कर लेंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ की वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, बीच में हम आ जाएंगे। फिर हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और स्टेज को खिसका करके कुछ इस तरह से हम यहाँ पे लाएंगे। इसको हम यहाँ पे लाके रख लेंगे। इसके बाद फिर हम लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट में आने के बाद फिर हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और स्टेज को खिसका करके जहाँ पे पहले था वहाँ पे हम लाके रख लेंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। स्टार्टिंग पे आने के बाद फिर हम इस वाले टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ की वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, बीच में हम आ जाएंगे। फिर हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और स्टेज को खिसका करके नीचे की तरफ यहाँ पे लाके रख लेंगे। इसको हम यहाँ पे लाके रख लेंगे। इसके बाद फिर हम लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट में आने के बाद फिर हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। फिर हम स्टेज को खिसका करके जहाँ पे पहले था वहाँ पे हम लाके रख लेंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम इस वीडियो को सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना क्वालिटी सिलेक्ट करके सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, हमारा वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो सेव हो रहा है, हम कुछ देर वेट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा वीडियो सेव हो चुका। इसके बाद फिर हम बैक जाएंगे। फिर हम यहाँ क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे और 3x4 वाला साइज सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से एक कलरफुल वीडियो एड करेंगे। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को एड करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने वीडियो को एड कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम इसको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन करके यहाँ पे क्लिक करके फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और जो वीडियो हम अभी सेव किए उस वीडियो को लाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को एड करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने वीडियो को एड कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम नीचे जाएंगे। फिर हम यहाँ क्रोमा की पे क्लिक करेंगे और हम इसको इनेबल कर लेंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इस वाले वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और हम लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट में आने के बाद हम इस कलरफुल वीडियो को
सिलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ कैंची वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ ट्रिम टू राइट पर क्लिक करके हम इसके स्ट्रेप आर्ट को काट करके डिलीट कर देंगे। फिर हम यहाँ टिक पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। स्टार्टिंग पे आने के बाद हम यहाँ लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक शैडो का इमेज लाएंगे। इस इमेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस इमेज को एड करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने इमेज को एड कर चुके हैं। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और हम इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी ड्यूरेशन को एंड तक कर देंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। स्टार्टिंग पे आने के बाद हम यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक पीएनजी इमेज एड करेंगे। इस इमेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस इमेज को एड करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने इमेज को एड कर चुके हैं। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फिर हम इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ पे रख लेंगे। इसके बाद हम इसकी ड्यूरेशन को एंड तक कर देंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। स्टार्टिंग पे आने के बाद फिर हम यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और अपना फोटो सिलेक्ट करेंगे जिस फोटो से हमें वीडियो क्रिएट करना है। हम आपको बता दें कि इसमें आपको वही फोटो एड करना है जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका हो। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो इसमें हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अपने फोटो को एड करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने फोटो को एड कर चुके हैं। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फिर हम इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ पे रख लेंगे। इसके बाद हम इसकी भी ड्यूरेशन को एंड तक कर देंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। स्टार्टिंग पे आने के बाद हम यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, एक और पीएनजी इमेज लाएंगे। इस इमेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस इमेज को एड करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने इमेज को एड कर चुके हैं। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, फिर हम यहाँ ब्लेंडिंग पे क्लिक करेंगे, फिर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फिर हम इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ पे रख लेंगे। इसके बाद हम इसकी भी ड्यूरेशन को एंड तक कर देंगे। इसकी भी ड्यूरेशन को हम कुछ इस तरह से एंड तक कर देंगे, फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। स्टार्टिंग पे आने के बाद फिर हम यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, एक और इमेज एड करेंगे। इस इमेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी एड कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने इमेज को ऐड कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, फिर हम यहाँ ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे, फिर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ मल्टीप्लाई पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ टिक पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फिर हम इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ पे रख लेंगे। इसके बाद हम इसकी ड्यूरेशन को एंड तक कर देंगे, फिर हम यहाँ टिक पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। स्टार्टिंग पे आने के बाद हम इसमें एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो एड करेंगे। इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को एड करते हैं। वीडियो को एड करने के लिए सिंपली हम यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना वीडियो एड कर लेंगे। तो चलिए हम इसको एड कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने वीडियो को एड कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, फिर हम यहाँ ब्लेंडिंग पे क्लिक करेंगे, फिर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका। तो चलिए हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा वीडियो देखने में कैसा है। तो चलिए हम इसको प्ले करते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद फिर हम लास्ट में आ जाएंगे और जो भी मटेरियल हमारा बैकग्राउंड से बाहर है इसको काट के हटा देंगे। तो दोस्तों अगर इसमें हमें सॉन्ग ऐड करना है फिर हम यहाँ आईडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना सॉन्ग ऐड कर लेंगे। इसके अलावा अगर इसे हमें सेव करना है सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना क्वालिटी सिलेक्ट करके सेव वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, हमारा वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए।